अब ये सेटिंग में जैसे आपने क्लिक किया तो सबसे पहले आपको ये पेज दिखेगा इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट में आपने जो भी आपने डिटेल दिया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे दिखती है। उसके बाद सबसे पहले आपको ब्रांच एंड बैचेस कंप्लीट करना है, विदाउट इसके आप पेपर जनरेट नहीं कर सकते। जैसे हमने ब्रांच पे क्लिक किया तो आपको राइट हैंड साइड पे ऐड न्यू बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। पहले क्रिएट करने का, ये वन टाइम है, आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आपको बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं गिरेगी। तो यहाँ पे जैसे हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया, डिटेल आपको यहाँ पे डिटेल देना, ब्रांच का जो नेम देना आप टाइप करिए, एड्रेस आपका जो है वो एड्रेस टाइप कर दीजिए, एरिया टाइप कर दीजिए जो एरिया है, सिटी, पिन कोड, प्राइमरी नंबर और अल्टर नंबर टाइप कर दीजिए, कौन से ब्रांच के लिए है, अभी कौन सा बोर्ड है आपके पास, एग्जांपल आपके पास सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड है तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करिए, या मे बी सीबीसी है तो सीबीसी सेलेक्ट कर दीजिए। जो भी बोर्ड है आप वन बाय वन एक ही ब्रांच पर ऐड कर लीजिए। फिर एग्जांपल अभी महाराष्ट्र बोर्ड में आपके पास कौन सा मीडियम है, जैसे हमारे पास इंग्लिश मराठी सेमी है, कौन सा है, जैसे एग्जाम्पल सेमी है, अगर मराठी भी होता तो आपको मराठी सेलेक्ट करना होता है एक ही मीडियम के अंदर, जैसे मराठी एंड सेमी साथ में आ गया। अब स्टैंडर्ड कौन सा है वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करिए, जैसे नाइन्थ है, टेंथ है और एथ है, ये महाराष्ट्र, ये मराठी मीडियम का होगा, अगर सेमी का है तो सेमी का सेलेक्ट करें, ऐसा वन बाय वन। इस तरीके से आपको वन बाय वन सब स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है सर। जैसे करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन करना है, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये ब्रांच क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको उस चीज़ को एडिट कर सकते हो या डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो ब्रांच को। ठीक है, ये समझा सर आपको? हाँ समझ में आया। ओके, अब आते हैं बैचेस में, क्योंकि वो ब्रांच के अंदर आपके बैचेस हो गए सर। आप बैचेस में जाइए, सेम एड न्यू बटन पे क्लिक करिए, ब्रांच नेम जो भी आपने ब्रांच डाला था वो नेम आएगा, कौन सा मीडियम के लिए आप कौन से बोर्ड के लिए क्रिएट करें बोर्ड सेलेक्ट करिए, मीडियम सेलेक्ट करिए जैसे सेमी का है, कौन से स्टैंडर्ड के लिए है, और वो बैच का नेम क्या देना है आप वो टाइप करिए और सबमिट कर दीजिए, तो वो बैच क्रिएट हो जाएगा। अगर 10th स्टैंडर्ड में आपके दो और बैच है तो फिर सेम एड न्यू करिए, 9th स्टैंडर्ड का है तो सेम एड न्यू करिए। तो इस तरीके से आपको ब्रांच एंड बैचेस क्रिएट करना है। ठीक है, ये समझ में आपको सर? हाँ समझ में आया। ओके सर, फिर आते हैं वाया लेक्चर। वाया लेक्चर क्या सर, फिलहाल जैसे कोविड से पहले हम ऑनलाइन लेक्चर ही ले रहे थे, तो हम क्या करते हैं आपके साथ अगर गो टू मीटिंग है या जूम है या गूगल मीट है, हम इंटीग्रेट करके देते हैं, जहां से आप डायरेक्टली लेक्चर क्रिएट करोगे, बच्चों को किसी को भी लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं, जो भी बच्चा आपका लेक्चर अटेंड करेगा वो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आएगा, तो वहां पे उसकी अटेंडेंस रिपोर्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये देखिए, अगर आपका गो टू मीटिंग है तो आप गो टू मीटिंग सेलेक्ट करिए, अगर जूम है तो जूम सेलेक्ट करिए, और आपका आईडी और लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें सेंड कर दीजिए तो हम आपको इंटीग्रेट करके दे देंगे यहाँ पे, और सबमिट कंफर्म कर लीजिए, तो उस तरीके से आप लेक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आते हैं टीचर्स। अगर आपके क्लासेस में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर्स है तो आप उनका भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपने टीचर पर क्लिक किया एड न्यू, उसका फर्स्ट नेम, टीचर का लास्ट नेम, ईमेल आईडी, प्राइमरी नंबर, कौन से ब्रांच के लिए है, कौन से बैच के लिए है वो सेलेक्ट करें, जैसे 8th 9th 10th तीनों को पढ़ाती है। फिर नीचे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आएगा, जैसे 10th स्टैंडर्ड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एग्जांपल वो इंग्लिश की टीचर है, मैथमेटिक्स 1 और 2 भी पढ़ाती है, सेम इंग्लिश की टीचर है और मैथमेटिक्स 1 और 2 भी पढ़ाते हैं, तो उस तरीके से आप सेलेक्ट करिए तो वही सब्जेक्ट दिखेगा, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट उनके ऑथराइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप सबमिट करोगे तो उनके एक नंबर पे एसएमएस चला जाएगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट दिया वही सब्जेक्ट का पेपर बना सकते हैं, जब तक आप उनको सेंड नहीं करोगे तब तक वो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, एडमिन को ऑथराइज सारी चीजें प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में कैसा है, पेपर फॉर्मेट होता है, अगर आपके पास लोगो है क्लासेस का आप लोगो भी डाल सकते हो, जैसे आप लोगो यस करिए, लेफ्ट या राइट में देना है सेलेक्ट करिए, कौन से ब्रांच के लिए है वो सेलेक्ट करिए, जैसे आपने अपलोड किया, अभी आपने लोगो आपने सेलेक्ट किया, जैसे आपका ये लोगो है आपका टेम्पलेट, अभी जैसे हमारे पास 10 टाइप का टेम्पलेट है, कौन सा टेम्पलेट देना है आप सेलेक्ट करिए, एग्जाम्पल आपने टेम्पलेट 2 लिया तो देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया है, अगर आपने 3 लिया तो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, सबमिट करिए तो जो भी आपका पेपर होगा विद इन इसी टाइप का पेपर प्रिंट आउट आएगा। ठीक है,
ठीक है, इसमें कुछ डाउट है सर? नहीं सर। ओके, और लोगो का सर फाइल होगा ना तो पीएनजी या जेपीजी फाइल होगा। ठीक है सर। ठीक है, अब आते हैं लेक्चर के अंदर। अगर आपने लेक्चर इंटीग्रेट किया है तो आप क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करिए। कौन सा बोर्ड है, कौन सा मीडियम है, कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन से सब्जेक्ट के लिए है, टाइटल डाल दीजिए, कौन से डेट का है, कौन से टाइम पे है लेक्चर, वो सेलेक्ट करिए, और कितने घंटे का लेक्चर है। जैसे कि आपका 1 घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे का है, तो आप अपने ड्यूरेशन आवर डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कौन से ब्रांच के लिए आप सेलेक्ट करिए, कौन से बैच के लिए है, सेलेक्ट टीचर, जो कौन से टीचर के लिए, वो टीचर का नाम सेलेक्ट करिए। ठीक है, आपने टीचर का नाम सेलेक्ट कर दिया, ऑनलाइन है या क्लासरूम है ये आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आपने यहाँ पे चैप्टर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका लेक्चर शेड्यूल हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपका लेक्चर शेड्यूल हो गया। तो यहाँ पे देखो टाइमिंग स्टार्ट हो गया, तो ये स्टार्ट बटन आ जाएगा लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। अगर एडमिन चाहिए तो यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकता है। टीचर्स अपने फोन से भी डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिन को अगर टीचर का अटेंडेंस मार्क करना है तो लॉग बुक भी फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि कितने बजे का लेक्चर था। अगर सर ज्यादा टाइम लग गया तो यहाँ पे वो टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने टाइमिंग चेंज कर दिया, अप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे चैप्टर कौन सा जो दिया गया था वो पेंडिंग है, ऑनगोइंग है, कम्प्लीट है या रिविजन है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। एग्जाम्पल जैसे वो एक फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट हो गया, सेकेंड लेक्चर पेंडिंग है, आपने ये सेव कर दिया, तो उनका एक लॉग बुक फिलअप हो जाएगा वहाँ पे। फिर अटेंडेंस चाहिए तो अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, कौन से बच्चे प्रेजेंट है वो अटेंडेंस मार्क कर लीजिए आप यहाँ पे, और सबमिट कर दीजिए, तो वही बच्चे अटेंडेंस मार्क हो जाएंगे आपके इसमें लेक्चर में। फिर यहाँ पे अगर आपको किसी को लिंक शेयर करना है, जो बच्चों को डेमो लेक्चर साइन कर सकते, तो वो वाया लेक्चर डेमो अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे टीचर अगर लॉग बुक फिलअप होता है तो उसका रिपोर्ट भी मिलता है आपको। रिपोर्ट पे जाओगे तो टीचर लॉग बुक मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, हर एक टीचर का आपको लॉग बुक मिलेगा, कितना टोटल लेक्चर था, कितना स्केड्यूल है, कितना कम्प्लीट है, कितना मिसिंग है, कितना रिजेक्ट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर नीचे आपको टीचर्स का नेम आ जाएगा, हर एक टीचर का नाम। तो आपने एक बार टीचर के नाम पे जाके सेलेक्ट किया तो कौन से टीचर कितना कंप्लीट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये देखिए, कौन से डेट का था, कौन से टाइम में है, कितने बजे का, कितना ड्यूरेशन है, कितने घंटे में कंप्लीट हुआ, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप। ये सारे इन्फॉर्मेशन डाउट से कुछ नहीं समझा सर? हेलो, हाँ हाँ बोलो ना सर, आवाज कट रही है तुम्हारी। इसमें कुछ डाउट है सर? नहीं सर, नहीं। ओके, मैं अभी आपको फोन का स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, अगर टीचर को भी अगर टीचर को देखना रहेगा तो टीचर कैसे देखेगी। ठीक, एक सेकंड। ओके सर, आपको मेरा फोन का स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। ये देखिए, ये विजन ऐप होगा ना, ये टीचर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एप्लीकेशन टीचर्स ओपन करेंगे, जैसे वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो रजिस्टर्ड है उनका वहाँ पे। इसे 897 अभी ये नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे हम। जैसे आप डालोगे, ये देखिए टीचर को ये सारे पैनल दिखेंगे। ये देखिए, उनका लेक्चर जो चालू है वो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट बटन आ गया सर।
ठीक है, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो वो स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, या लॉगबुक चाहिए तो लॉगबुक भी फिलअप कर सकते हैं उनका भी, खुद का लॉगबुक टीचर भी खुद भी फिलअप कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कम्प्लीट हो गया कम्प्लीट डाल दीजिए, अगर स्टूडेंट का अटेंडेंस मार्क करना तो यहाँ से ही अटेंडेंस मार्क भी कर सकते हैं टीचर्स, उन्हें पता कौन से बच्चा आ चुके हैं लेक्चर, सेलेक्ट करके प्रेजेंट ही लगा दिए। इस तरीके से टीचर को भी एप्लीकेशन हम देते हैं। हाँ, टीचर को एप्लीकेशन देने के लिए वहाँ पे तुमने जो बताया वो करना पड़ेगा ना? यस सर, आपको पहले क्रिएट करना होगा उनका अकाउंट, तो ही ये सारी चीजें ऑथराइज हो जाएगी उनके पास। ठीक है यहाँ पे उनका कैलेंडर वाइज भी आप देख सकते हो, जो भी आप डेली रिपोर्ट देते हो कैलेंडर वाइज उनका रिपोर्ट दिखता रहेगा उनका। फिर आपने जो टास्क दिया वो टास्क कम्प्लीट हुआ कि नहीं वो सारे यहाँ पे दिखती है, और फिर टीचर का रिपोर्ट यहाँ पे उनको दिखता है। ये सारी चीजें कमी स्टूडेंट चाहिए तो बच्चों का ऑनलाइन मार्क्स भी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकता है। ये समझ में आपको सर? हाँ सर। अब आते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन पे। एग्जांपल अगर स्टूडेंट कनेक्ट करता है तो स्टूडेंट कैसे दिखेगा, ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना स्टूडेंट ये क्रिएट करेगा, क्रिएट योर विजन अकाउंट, उसका फर्स्ट नेम वो अपना फिलअप करेगा डिटेल, लास्ट नेम जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो टाइप करेगा, इसका ईमेल आईडी जो भी ईमेल आईडी है। फिर जैसे नेक्स्ट करेगा तो सिटी डाल देगा, और यहाँ पे क्लास कोड पूछा गया, तो ये क्लास कोड कौन सा डालेगा बच्चा? जो भी आप यहाँ से अपने पैनल से जनरेट करके दोगे ना वो कोड डालेगा बच्चा, जो भी कोड डालोगे बच्चा कनेक्ट हो जाएगा। वो कैसे कोड देना वो मैं भी बता दूंगा, फिलहाल कैसे स्टूडेंट को एप्लीकेशन दिखे मैं वो दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये स्टूडेंट एप्लीकेशन होगा, ये स्टूडेंट को दिखेगा, स्टूडेंट का ऐसा दिखेगा, स्टार्ट करेगा और यहाँ पे उसको पता चलेगा वो प्रेजेंट है कि नहीं एब्सेंट है, उसको पूरा रिपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। अभी अगर एडमिन को देखना है स्टूडेंट को कोड अगर जनरेट करके देना है तो वो अपने पैनल से ही देगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टूडेंट ऐप सर? हाँ दिख रहा है। उस पे जाएगा, लाइसेंस पे क्लिक करेगा, ऐड न्यू करेगा, पहले क्रिएट करेगा तो कौन से बोर्ड के लिए वो सेलेक्ट करेगा, कौन से मीडियम के लिए वो सेलेक्ट करेगा, कौन से स्टैंडर्ड के लिए है और कौन से ब्रांच के लिए है और कौन से बैच के लिए वो सेलेक्ट करेगा। जैसे ही सबमिट करेगा तो उसका क्लास कोड जनरेट होगा इस तरीके से, ये कोड आपको कॉपी करके बच्चों को व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देना। ठीक है, बच्चे जो भी कोड एप्लीकेशन में डालेंगे ना क्लास कोड, उनको पेंडिंग ऑप्शन आएगा और एडमिन क्या करेगा यहाँ से अप्रूवल करेगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे जाके बच्चों के नाम के सामने बॉक्स है उस पर टिक करके स्टेटस अप्रूव कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपको ये भी पता चलेगा कौन से बच्चे आपके क्लासेस के, क्या होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्या क्लास कोड अपने कुछ फ्रेंड को भी फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ बराबर। तो इससे आपको ये पता चला आपके कौन से क्लासेस के बच्चे हैं तो उसी को सिलेक्ट करके अप्रूव करने के लिए। राइट राइट, ठीक है। इसमें कुछ डिफिकल्टी कुछ नहीं समझा सर? नहीं नहीं सर, बहुत ओके। ठीक है, अभी आते हैं टेस्ट में। टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर भेजना है, क्रिएट टेस्ट करिए, महाराष्ट्र बोर्ड मीडियम जैसे आपको डिटेल है ये फिलअप करना है, सब्जेक्ट कौन से ब्रांच के लिए है, कौन से बैच के लिए है, अगर डेट चाहिए तो डेट भी आप चेंजेस कर सकते हो, और प्रिपेयर पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे प्रीलियम एज पर द बोर्ड पैटर्न वाइज फॉर द 10th स्टैंडर्ड, ओनली फॉर 10th स्टैंडर्ड के लिए बनता है। रेडी पेपर में जाओगे तो आप चैप्टर वाइज कस्टमाइज पेपर आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाजू में है सेट पेपर, आप कस्टमाइज आप क्रिएट कर सकते हो। रेडी पेपर में आप जैसे कि दो यूनिट टेस्ट सेमेस्टर टेस्ट आपको लेना है, दो चैप्टर तीन चैप्टर पे तो आप ले सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे हम यहाँ पे क्या रेडी पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट वन सेलेक्ट कर दिए, मार्क्स सेलेक्ट किए जैसे 25। अभी यहाँ पे यूनिट वन पे आपको टेस्ट लेना है, जैसे आपने यूनिट वन टाइप कर दिया नेम और आपने यूनिट वन सेलेक्ट कर दिया, जनरेट पेपर करिए तो यहाँ पे आपका पेपर बन जाएगा 25 मार्क्स का।
हर क्वेश्चन के सामने आपको रिप्लेस एंड एडिट का बटन है, तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। हाँ, अगर मुझे रिप्लेस करना, रिप्लेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करके चेंज कर दूंगा। अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करने का भी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को चेंजेस और एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पेपर बराबर है तो आप यहाँ पे चाहिए तो सेल्फ रिव्यू टीचर को अगर एक बार चेकिंग के लिए भेजना है तो रिव्यू के लिए भेज सकते हो, या अगर आपको डायरेक्टली अगर पेपर लगता है बराबर है तो अप्रूव कर दीजिए। जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करोगे तो आपका ये पेपर रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, एक्शन के नीचे क्यू लिखा है सर, क्यू फॉर क्वेश्चन पेपर, जैसे क्लिक करो तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। आप यह डाउनलोड एंड प्रिंट आउट कर लीजिए सर, अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्ट है तो आप प्रिंट लीजिए, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर प्रिंटर नहीं है तो सेव एज पीडीएफ फाइल कर लीजिए, तो यह आप फाइल सेव कर सकते। अगर आपके मॉडल आंसर भी चाहिए तो उसके बाजू में ही मॉडल आंसर है सर, ए फॉर मॉडल आंसर, ए पे क्लिक करो तो क्वेश्चन विद आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी सेम आप डाउनलोड एंड प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है सर? नहीं सर। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव पेपर हो गया। फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर में हम एक बार सेट पेपर देख लेते हैं। सेम डिटेल आपको सेलेक्ट करना है सर, डेट टाइप देना है, ब्रांच बैचेस आपने सेलेक्ट किया, प्रिपेयर पे क्लिक कर दिया, सेट पेपर हो गया। एग्जाम्पल आपको सिर्फ 1.1 और 1.2 पे ही टेस्ट लेना, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन टाइप सेलेक्ट किया, ठीक है। आपने अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन टाइप सेलेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको 4 पूछना है क्योंकि आपके पास 1 मार्क के 88 क्वेश्चन है, तो अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको देना है। एग्जाम्पल आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर आपको 15 मार्क्स का बनाना है या 11 मार्क्स का बनाना है, अपने जैसे चाहिए अपने हिसाब से मार्क्स का पेपर बना सकते हो। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, टाइमिंग दे दीजिए और जनरेट कर दीजिए, तो इस हिसाब से आपका 11 मार्क का या 11 मार्क का 3 मार्क का पेपर भी बना सकते हो। ये देखिए 3 मार्क का पेपर बना मेरा, अप्रूव कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका पेपर रेडी हो जाएगा। फिर यही सेम क्यू फॉर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट आउट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो पब्लिश कर सकते हो बच्चों के फोन पे क्वेश्चन पेपर, जैसे आपने दे दिया, आपने ये टेस्ट हो गया आपके क्लासेस में, आपने पब्लिश कर दिया और यहाँ पे पब्लिश पेपर, पब्लिश क्वेश्चन पेपर कर, तो बच्चों को चाहिए तो क्वेश्चन पेपर भी आप पब्लिश कर सकते हो टेस्ट के लिए। जब विद टाइम मतलब कौन से टाइम पे ओपन हो, पर्टिकुलर टाइम और डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल आपने दे दिया 4:03 बजे का, 3:52 और 5 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 1 घंटे का पेपर या 2 घंटे का आपने टाइमिंग दे दिया और अप्लाई कर दिया और पब्लिश क्वेश्चन पेपर है, तो बच्चे के फोन पे यही सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही दिखेगा, ठीक है। बच्चा का एग्जाम सॉल्व होगा, उसका मार्क्स चाहिए तो आप मार्क्स भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स अपलोड का भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप इंडिविजुअल हर एक बच्चे का मार्क्स भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यही पे आपका टेस्ट पेपर में एक MCQ है जहाँ पे बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देंगे जो भी आपने पेपर्स क्रिएट किया, क्रिएट टेस्ट पे क्लिक करना है, बोर्ड एडिट सब्जेक्ट ब्रांच बैचेस चैप्टर सेलेक्ट किया आपने, नेक्स्ट किया, आपने डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इजी मीडियम हार्ड, इजी जैसे आपका 76 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया, मीडियम आपका 10 है आपने 1 सेलेक्ट किया, आपने हार्ड आपका 3 है आपने 12 है आपने 3 सेलेक्ट किया, तो इस हिसाब से आपका 9 क्वेश्चन बन गया, जनरेट किया तो आपका ये MCQ पेपर जनरेट होगा। और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिजिकली प्रिंट आउट नहीं ले सकते सर? MCQ का क्या नहीं, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, अगर स्टूडेंट कनेक्टिविटी लिया रहेगा ना आपने स्टूडेंट ऐप, तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो और उसका ऑन द स्पॉट रिजल्ट भी आता है, जैसे कि आपको रिप्लाई क्रेडिट का ऑप्शन भी दिया है, अगर पेपर लगता है बराबर है अप्रूव कर दीजिए, पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, टोटल स्टूडेंट जितने आपके सेलेक्ट है उतना सेलेक्ट कर लीजिए,
विद टाइम देना है या विदाउट टाइम देना है, ओनली डेट देना तो आप कभी भी बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पब्लिश कर दिया तो बच्चों के फोन पे चला जाएगा टेस्ट, मैं वो भी दिखा देता हूँ टेस्ट कैसे दिखेगा। ये देखिए अब मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ पेज तो ये मेरे टेस्ट में आपको दिखेगा वर्ड। टेस्ट में दिख रहा है सर आपको? देखो एमसीक्यू टेस्ट, अभी एमसीक्यू टेस्ट में देखो स्टार्ट बटन, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा क्वेश्चन आ जाएगा, नीचे ऑप्शन दे जाएगा, बच्चा ऐसा रीड करा उसको लगता कौन सा ऑप्शन सही है उसने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। नीचे सेम इसी तरीके से देखा कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता उसने स्किप कर दिया। और एड टेस्ट कर दिया बच्चे ने एग्जाम देने के बाद सबमिट, जिसके सबमिट करेगा देखो रिजल्ट आ गया सर ऑन द स्पॉट। अगर बच्चा अच्छी है तो ये भी चेक कर सकता है व्यू आंसर में, जो आंसर रॉन्ग था तो उसका राइट आंसर क्या है, तो व्यू आंसर पे क्लिक किया रॉन्ग आंसर पे गया तो उसको पता चलेगा उसका जो रॉन्ग आंसर था तो उसका राइट आंसर क्या है। तो इस तरीके से उस बच्चों को भी पूरा रिजल्ट आ जाता है और उसको ये भी स्टैटिस्टिक्स मिलता है कि वो चैप्टर वाइज कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है उसका। अगर आपको अगर टीचर को अगर रिजल्ट देखना है, ये तो स्टूडेंट में देख लिया, अगर टीचर को देखना है तो टीचर्स अपने पैनल में भी जाके देख सकते हैं रिपोर्ट। ये देखिए रिपोर्ट पे जाओगे एमसीक्यू, यहाँ पे यूजेस ओवरव्यू का मतलब है कितना पेपर बना है, कितना ड्राफ्ट में, कितना अप्रूव है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस मतलब हर एक बच्चे का, अगर आपको एक एक बच्चे का परफॉर्मेंस देखना है तो देख सकते हो। ओवरऑल रिजल्ट मतलब आपने एक ब्रांच के अंदर कितने बैचेस के अपने बच्चे ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था, कितना टेस्ट दिया था, उस बच्चे में से किसने अटेम्प्ट किया किसने नहीं अटेम्प्ट किया उसकी रिपोर्ट अगर आपको देखनी है आप देख सकते हो। ये देखिए आज का जो मैंने पेपर भेजा मैंने एक्शन पे व्यू कर दिया, यहाँ पे पेपर डिटेल आ गया कौन सा एग्जाम था कभी था ये इन्फॉर्मेशन आएगा, स्टूडेंट अपीयर फॉर द टेस्ट मतलब कितने अपीयर किए हैं टेस्ट के लिए उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके नीचे आपको ये भी मिलेगा स्टूडेंट नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट मतलब जो बच्चे एबसेंट है उसका कौन कौन से बच्चे एबसेंट है वो पेपर नहीं दिए थे ऑनलाइन एग्जाम अटेंड नहीं उसकी पूरी भी। तो इससे क्या होगा आप पेरेंट्स को भी बता सकते हो कि मैंने ये डेट पे ये एग्जाम दिया था बच्चे ने अटेंड नहीं किया था उसको रिपोर्ट भी दिख रही। इस तरीके से आप बच्चों का एक्सेल शीट भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो आपके पास बाइफरकेशन सारी चीज आती है रिपोर्ट की। ठीक है इसमें कुछ डाउट है कुछ नहीं समझा सर? नहीं सर समझ में आया। ओके फिर यहाँ पे स्टूडेंट ऐप के अंदर लाइब्रेरी भी है, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड वीडियो है या रिकॉर्डेड लेक्चर्स है या आपके पास यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब का अगर आपके वीडियो है तो वो भी आप लाइब्रेरी में शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करिए, डिटेल फिलअप करिए, नेक्स्ट करिए, तो यहाँ पे आपका सिस्टम फोल्डर है, तो सब्जेक्ट वाइज डालना है तो सब्जेक्ट वाइज में जा सकते हो, तो सब्जेक्ट वाइज में चैप्टर वाइज जाना तो चैप्टर वाइज जा सकते हो। जैसे मैंने ले लिया इक्वेशन सेलेक्ट किया, अगर आपके पास इमेज है वीडियो है डॉक्यूमेंट है जो भी है आप अपलोड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने अगर वीडियो अपलोड करना है तो मैं जाऊँगा टाइटल टाइप करूंगा जो भी ले लिया इक्वेशन सब्जेक्ट डाल दिया वीडियो पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास लिंक है तो मैंने लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिंक अपलोड करूंगा। अगर लिंक नहीं है तो मैं डायरेक्टली अपलोड करूंगा उसकी कुछ आप 20 MB से ज्यादा वीडियो आप शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने 1 GB का वीडियो है या आपने 1 घंटे का वीडियो है तो वो ज्यादा MB में आ रहा है। अगर आपका लिंक है YouTube की लिंक है या अगर आपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके लिंक शेयर करें तो आप शेयर कर सकते हो। अगर आपका इमेज फाइल है तो इमेज फाइल अपलोड कर सकते हो या डॉक्यूमेंट है कोई इम्पोर्टेंट नोट्स है तो बच्चों के साथ शेयर करना तो आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हो। फिर अगर आप बच्चों का अनाउंसमेंट देना चाहते हो या कुछ भी नोटिस देना नोटिस बोर्ड में डालना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो नोटिस बोर्ड पे, यहाँ पे डाल दीजिए ऐड नोटिस, डिटेल फिलअप कर दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया यूनिट 1 यूनिट टेस्ट,
ऑन सितंबर 7 हिस्ट्री पेपर आपने सबमिट कर दिया। ये बच्चों के फोन में अनाउंसमेंट स्टूडेंट को कैसे दिखेगा। जैसे ऐप ओपन करेगा ना बच्चा, ये देखिए अनाउंसमेंट दिख रहा है सर आपको, नोटिस बोर्ड दिख रहा है सर। तो इस तरीके से अनाउंसमेंट चले जाता है बच्चे के फोन पे सर, जो भी डेट का अपने अनाउंसमेंट किया है। तो इस तरीके से आप बच्चों के साथ कनेक्टिविटी रख सकते हो सर। बराबर है सर। ठीक है, आपने नोटिस भेजा वो भी मिल गया, आपने टेस्ट भेजा बच्चों को वो भी मिला, लेक्चर जो भेजा बच्चे ने लेक्चर भी अटेंड किया, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब बच्चा रिपोर्ट में ना उसका पूरा रिपोर्ट देख सकता है, लेक्चर का, सब्जेक्ट वाइज का रिपोर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है। इसमें आपको कुछ नहीं समझा सर, ऐसा डिफिकल्टी है ना? सब समझाया सर तुमने, अच्छी तरह से समझाया। यस सर, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता ना सर, तो आपके पास सपोर्ट का नंबर है, तो आप सपोर्ट के नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, ये देखिए सपोर्ट का नंबर है सर, ठीक, ये दोनों सपोर्ट का नंबर है। 10 to 7 आप कॉल कर सकते हो, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्यूरीज है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, ठीक है, करिए आप प्रैक्टिस, अगर आपको डाउट रहता आप कॉल कर बैक करिए सर। ठीक है, ओके सर, बाय सर। रिकॉर्ड के वाला एक बार भेजने वाले को मुझे, हाँ मैं भेजता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो, है ना, सेंड कर देता हूँ। ओके, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने कॉल व्हाट्सएप किया, हाँ यही तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता सर। ठीक है, अभी जो सर जो क्वेश्चन पेपर अपन जनरेट करने वाले ना, हाँ उसको मैंने विद्यानंद कोचिंग क्लासेस का नाम दिया था, और ऐप पे मेरा नाम आएगा क्या, वो मेरा नाम दिखा रहा हो, गणेश सूर्यवंशी जो ग्रुप जो एडमिन है, एडमिन पे मेरा नाम है, लेकिन अपन क्वेश्चन पेपर पे वो विद्यानंद कोचिंग क्लासेस आपके क्लासेस का नाम पे ही आएगा पेपर। ठीक है, ओके ठीक है, ओके।